मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करके इंडिया गठबंधन मोदी को हरा सकता है। खोजी कैमरा के लिए मुस्तकीम मंसूरी की खास रिपोर्ट। लखनऊ नववर्ष में प्रवेश के साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनावी चौसा बिछाना शुरू हो गई है। एनडीए गठबंधन के रणनीतिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के चाणक्य अमित शाह की बिछाई गई बिसात को महत्वाकांक्षाओं से भरा इंडिया गठबंधन में शामिल विपक्ष क्या मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक पाएगा? ये प्रश्न अपने आप में बड़ा विचारणीय है। काफी गंभीरता से विचार करने के बाद जो स्थिति उभर कर सामने आई है उसके हिसाब से इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन को हरा सकता है। उसके लिए बीएसपी को इंडिया गठबंधन में शामिल करके मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करके दलित वोट बैंक को एनडीए से अलग किया जा सकता है। उप प्रधानमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को सामने लाने से कुर्मी वोटों को भी साधा जा सकता है। मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करके यादव वोट बैंक को साधने के लिए यूपी को अखिलेश यादव के लिए और बिहार तेजस्वी यादव के लिए छोड़ दिया जाए तो भाजपा का मध्य प्रदेश में खेला गया यादव मुख्यमंत्री बनाने का खेल फेल हो जाएगा। मायावती के प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित होते ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र के विदर्भ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इंडिया गठबंधन को जबरदस्त सफलता मिलेगी। वहीं नीतीश कुमार के उप प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित होते ही बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में एनडीए को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी तरह अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्री पद के सीधे दावेदार यादव समाज को नजर आएंगे तो इसका भी फायदा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी इंडिया गठबंधन को होगा और नुकसान एनडीए को होगा। इसके लिए इंडिया गठबंधन में शामिल घटक दलों को अपनी अपनी पार्टी में बैठे जय चंदों से सावधान रहना होगा।